राजकीय इंटर कॉलेज खंडा के परिसर के अंदर हैं, जो कि विकासखंड खिरसु के अंदर पड़ता है, श्रीनगर और पौड़ी के मध्यांतर लगभग पड़ता है। तो हम स्कूल की समीक्षा लेना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान शिक्षा संस्थान बंद रहे और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के 8 फरवरी को इनको खोलने का आह्वान किया था। तो हम देखना चाहते थे कि कोरोना बीमारी से पहले स्कूली की दशा कैसी थी और अब स्कूल खोलने के बाद स्कूल की दशा कैसी है, छात्र संख्या में बढ़ोतरी हुई या यथावत है, और 10 और 12 की जो बोर्ड की परीक्षा है वो बिल्कुल समीप आ चुकी है, तो विद्यार्थियों ने इसके लिए अपने आप को कितने सक्षम महसूस कर रहे हैं उनसे भी जानकारी देते हैं। चलो तुम तो भारत के पक्ष के बैठे रहे। आपके कौन से सब्जेक्ट हैं? आप हमारे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स भी आप? जी है? आप इकोनॉमिक्स की प्रकार से बता सकते हैं? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम दो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है जैसे एक इकाई होती है अर्थशास्त्र की, और समष्टि अर्थशास्त्र हम पूरे पूरे जैसे पूरी इकाइयों का मतलब वो जो चीज़ होती है। आपके रुकने से ज्ञात होता है कि कोरोना महामारी का विद्यार्थियों पर काफ़ी असर पड़ा है, इतने सक्षम नहीं है। अब आपकी परीक्षाएँ जो बिल्कुल सिर पर हैं और कोरोना काल में आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई, इसलिए हम जानना चाहते हैं आप कितने सक्षम हैं। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, आप सक्षम हैं परीक्षा देने के लिए? इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हुई इकोनॉमिक्स में, तो अभी हम बहुत मतलब पूरी तरह से सक्षम भी नहीं हैं क्योंकि टीचर का अभाव है। चलो ठीक है, इसमें आपका दोष नहीं है, कुदरत का दोष है जो ऐसी महामारी फैली, और इसका कोरोना जैसी बीमारी का असर विद्यार्थियों पे सबसे ज़्यादा पड़ा, क्यों उनकी साल भर की कमाई थी उस पर बड़ा असर पड़ा। परीक्षाएं नज़दीक आ गई है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग सभी परीक्षा देने के लिए सक्षम हो चुके हैं? आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है भाई? पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है आपका? सर थोड़ा बचा है, सिलेबस बचा है अभी है नहीं? तो सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान शिक्षा संस्थान सारे बंद रहे और परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई। तो शिक्षा विभाग अगर हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहा है तो इन विद्यार्थियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे। ओके।